नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सीएम तीरथ को भीमताल से चुनाव लड़ने की पेशकश। विधायक राम सिंह केड़ा सीट छोड़ने को तैयार। कैबिनेट मंत्री व विधायक भी कर चुके हैं सीट छोड़ने का ऐलान। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी पहल। हेल्पलाइन का हुआ शुभारंभ। 1902 पर मिलेगी कुंभ से जुड़ी हर जानकारी। प्रदेश में भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान। भिक्षा मांगते मिले 735 बच्चों का होगा स्कूलों में दाखिला। सबसे ज्यादा बच्चे 480 देहरादून में किए गए चिन्हित। हरिद्वार कुंभ को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी का चार्ट तैयार। बसों की संख्या बढ़ाने पर विचार। परिवहन विभाग जल्द बुलाएगा अफसरों की बैठक। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में प्रदेश में 94 संक्रमित मरीज आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 98,000 के पार। देहरादून के टिहरी झील में जल दिखेगी हाई स्पीड मोटर बोट। जल पुलिस को रेस्क्यू में होगी आसानी। सिटी पुलिस के बाद अब जल पुलिस को भी होगी हाईटेक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के बढ़ते खतरों का असर हरिद्वार कुंभ पर भी पड़ने लगा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। उनके इस फैसले को हाईकोर्ट ने अब पलट दिया है। नए फैसले के मुताबिक हरिद्वार महाकुंभ में जाने के लिए कोरोना की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है, जिसमें उन्होंने बिना कोरोना टेस्ट के लोगों को कुंभ आने की इजाज़त दी थी। अधिवक्ता शिव भट्ट, सेक्रेटरी DLSA शिवानी पसबोला और मेला अधिकारी ने अपनी निरीक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात कोर्ट में एम्स के डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार करने को कहा। सीएम को लेकर हमने यह बताया था कि सीएम साहब ने एक डिक्लेरेशन दिया कि नेगेटिव आरटीपीसीआर लाने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट ने यह गलत कहा है कि नहीं, लाना जरूरी है। केंद्र की SOP और स्टेट की SOP लागू होगी, तो चीफ सेक्रेटरी ने इंश्योर किया है, कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है कि नेगेटिव आरटीपीसीआर के ही बाद हम अलाउ करेंगे पिलग्रिम्स को। इसके अलावा हमने एक सजेशन दिया था कोर्ट को कि जब ये SOP रिलीज हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो गए, तो जो लोग वैक्सीनेटेड की सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे तो उनको भी आने दिया जाए, क्योंकि उनका नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट ने यह माना कि ठीक है, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अलावा अगर कोई अपना वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट देगा तो वो भी कुंभ में आ सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है जो गऊ घाट और शाही घाट है तपोवन के, उनको जल्द से जल्द ठीक कराएं। सड़कें जो इनकम्प्लीट है वो ठीक कराएं, चेंजिंग रूम्स लगाएं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। ओम प्रयास, अगर बात की जाए तो तीरथ सिंह रावत ने एक जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ये फैसला किया था कि सब लोग आ सकते हैं, इजाज़त सबको है, 12 साल में कुंभ होता है, कोई रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है। जी देखिए, जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने वाला है, महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उसके बाद इतना बड़ा बयान आना, क्योंकि जैसे कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड चेंज हुए थे उससे पहले जो त्रिवेंद्र सरकार थी, त्रिवेंद्र सरकार में ये फैसला लिया गया था कि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले जो भी श्रद्धालु होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, उन लोगों को 72 घंटे की नेगेटिव कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। साथ ही साथ उसमें ये भी लिया गया था कि जिस तरह से कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो 60 साल से प्लस है, साथ में बात करें हम बच्चों की तो तक में जैसे बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, तमाम जो लोग थे उन लोगों पर कुंभ मेले में आने के लिए रोक लगाई। लेकिन साथ साथ जब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने साफ तौर पर ये आश्वस्त किया था लोगों को कि आप कुंभ में बेरोक तो आ सकते हैं, 12 साल में होने वाला महाकुंभ है, इसमें आप बेरोक तो आए, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के पालन में। साथ ही साथ इसमें कोई रिपोर्ट दिखाने का जिक्र नहीं किया गया था, किसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का कोई जिक्र नहीं था। साफ तौर पर देखने वाली बात थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ COVID-19 के जो गाइडलाइन है वो सिर्फ उसका पालन करने का हवाला दिया गया था। साथ साथ हम बात करें जिस तरह से आज हाईकोर्ट का भी एक आदेश सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि
हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले व्यक्तियों को 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ओम, 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। और जिस तरह से जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला लिया था कि 12 साल में माफ करिएगा तीरथ सिंह रावत ने जो फैसला लिया था कि 12 साल में एक बार कुंभ होता है, किसी भी रिपोर्ट की लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन उसको नैनीताल कोर्ट ने पलट दिया है। अपनी 72 घंटे की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेके आपको कुंभ जाना होगा। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता रहा है, हरीश रावत के घर के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा है, खुद ट्वीट करके हरीश रावत ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव, परिवार के अन्य 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित। कल ही होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे पूर्व सीएम हरीश रावत, कार्यक्रम में उड़ी थी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कल होली मिलन समारोह में पहुंचे थे हरीश रावत और आज ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्होंने ये ट्वीट करके खुद जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के डर को कम माना जा रहा है कि अब वो वापस इतनी तेजी से नहीं आए, लेकिन उसका सीधा उदाहरण एक ये है कि हरीश रावत कल पहुंचते हैं होली मिलन समारोह में, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं और आज उनको मिलाकर 4 लोगों को और कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है और कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। जो सेकंड फेज आया है कोरोना का, ये उतनी ताकत के साथ आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव, परिवार के अन्य 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित। कल ही होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कार्यक्रम में उड़ती कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव, परिवार के अन्य 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित। कल ही होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे पूर्व सीएम हरदा, जहां पर जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई थी। जो लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अता पता नहीं था और उसका खामियाजा हरीश रावत उनके परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ा और वो अब कोरोना पॉजिटिव हो गए। और उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए थे वो भी कोविड की जांच कराए। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व सीएम हरदा कोविड पॉजिटिव हुए हैं, कल ही होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल की तस्वीरें हैं जब वो होली मिलन समारोह में पहुंचे थे और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके साथ अन्य 4 परिवार के जनों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके चलना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हरीश रावत ने काफ़ी हल्के में लिया कोरोना को। और जिस तरह से वो कल भीड़ के साथ थे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से कल ये पहुंचे हुए थे होली मिलन समारोह में और आज कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो कहीं ना कहीं कोरोना पूरी ताकत के साथ वापस आया है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर दोबारा एक बार रिटेक ले रहा है और तो कहीं ना कहीं एक संभलने की इस समय आवश्यकता है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके साथ उनके परिवार के 4 सदस्य जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और कल ही उन्होंने होली मिलन समारोह अपने आवास पे रखा था, तो तमाम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और जो अब तक इस सप्ताह के बीच में जो भी उनके संपर्क में आया है तो वो खासतौर से जो है अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो करा ले ताकि वो कंफर्म हो जाए उसकी वो संक्रमित है या नहीं है। तो फिलहाल चिंता का विषय है विशाल, और जिस तरीके से लापरवाही भी कहा जा सकता है, अगर इस तरीके से लापरवाही होती है, मिले क्योंकि त्योहारों का समय है और भीड़ में खासतौर से नेता और नेताओं के जो चाहने वाले हैं वो लगातार संपर्क में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है कोरोना का जिस तरीके से दोबारा
शुरुआत हो रही है प्रदेश में वो एक चिंताजनक है और वही एक परिणाम है कि जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। विशाल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहाँ पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कल ही उनके आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजित किया गया था जहाँ पर खूब सारे कार्यकर्ता आए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। उसका खामियाजा हरीश रावत उनके परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ा, वो सब कोविड रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीरथ सरकार को झटका देते हुए कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में साधु संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है, सभी को आदेश करना चाहिए जिससे मेला सुरक्षित हो सके। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मेले को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरोना संक्रमितों की जाँच और सही उपचार जरूरी है, इसलिए सभी को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। इस समय को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसको हमें ढूंढना भी है कौन व्यक्ति है और उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है जो भी फैसला हाईकोर्ट ने दिया है बिल्कुल उचित दिया और हम सब इसका जो है पालन हम करेंगे। मैंने भी कई बार लोगों से अपने संबोधन में कहा है आने वाले श्रद्धालु, आने वाले संत महात्मा कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और जो सरकार का दिशा निर्देश का पालन करें। अब सवाल ये उठता है कि आस्था की जब मार पड़ती है, भीड़ होती है और इतना जब सैलाब उबड़ता है तो क्या संभव है? क्या मुझे लगता संभव नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार में संतों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर कई संत जहां होम आइसोलेट हो गए हैं वहीं अधिकारी भी मौन हैं। ऐसे में संतों ने हरिद्वार के मां मनसा देवी सिद्धपीठ पर मंदिर में मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की एक लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। वहीं मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी महाराज ने बताया कि हमने मां भवानी के सामने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। तो महंत प्रकाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि सभी को कोरोना के नियम का पालन करना चाहिए, यह वैश्विक महामारी है। जिस तरह से प्रकोप, दुआएं, मौसम से कोई नहीं बच सकता, उसी तरह वैश्विक महामारी से भी बचना संभव नहीं है। हमें सरकार की नियमावली के साथ साथ अपने आप को भी और दूसरों को भी बचाना है। आप अपना सुरक्षा करिए, इसके लिए प्रशासन बार बार कह रही है बढ़ाने चाहिए क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। ये आपको सोचने चाहिए, पब्लिक जो है पब्लिक को सोचने चाहिए ना, क्योंकि ये भारत में जो भी बीमारी है वह हमें तुम ला रहे हो, कोई दूसरा तो ला नहीं रहे। हमें स्वयं इस बात पे खेद है, सीएम साहब हरिद्वार में आए थे, कुछ संतों से मिले थे और वो जो है उनको जो कोरोना के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमने मनसा मैया में उनके लिए अनुष्ठान रखा हुआ है और हम उनके लिए माता मनसा से कामना करते हैं जल्दी ठीक हो जाए।
यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आगरा की विषय वस्तु है। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का जनपद दौरा होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने बताया कि प्रदेश प्रभारी 25 मार्च को देहरादून दौरे पर होंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में ताबड़ तोड़ बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें संयुक्त विधानसभा उपचुनाव से लेकर आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल चुनाव के समय ही अपनी राजनीतिक गलबियां नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गलबियां मुझे लगता है कि वर्ष भर चलती रहती हैं, चाहे वो बूथ स्तर की हूँ, चाहे मंडल स्तर की हूँ, चाहे शक्ति केंद्र स्तर की हूँ, चाहे जिला स्तर की हूँ, चाहे प्रदेश स्तर की हूँ। और इसी क्रम में अभी हमारी कोर कमेटी की बैठक भी हुई, वो भी हमारी नियमित रूप से होती है। कल हमारे प्रदेश के हमारे देश के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी और जो इस उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, वो भी दौरे पर हैं। खबर रुड़की से है, जहां हर मिलाप धर्मशाला में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में राजमंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की पहुंचे गन्ना चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वामी ने कहा कि आज उन्हें भाजपा ने जो सम्मान दिया है वो कार्यकर्ताओं की बदौलत ही है। उन्होंने कहा कि वो जिस क्षेत्र के विधायक हैं उनका स्वयं का वोट उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा वहां से भाजपा के प्रत्याशी को विधायक बनाती है। इस दौरान नगर विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा कि यह गन्ना चीनी उद्योग जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी एक मजबूत हाथों में है और किसानों की समस्याओं का समाधान वह अच्छी से करेंगे। मिलाकर गन्ना किसानों के सामने जो समस्याएं थी, मैं उससे पहले भी भली भांति अवगत था, लेकिन आज सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने मुझे जो गन्ना चीनी की जिम्मेवारी दी है, मैं 100% मेरा यह प्रयास होगा कि जो भी गन्ना किसानों के सामने समस्याएं हैं मैं उनका समाधान करूंगा। कल मैंने देहरादून के अंदर सारे गन्ने से और चीनी से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी। उनको मैंने निर्देश दिया है कि जो समस्याएं गन्ने की मेरे सामने किसानों की आती हैं, ये समस्याएं दोबारा से नहीं आनी चाहिए। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में भी केजरीवाल सदस्य अभियान की शुरुआत हो गई है। करीब 45 दिन तक चले इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने लाखों सदस्य पार्टी से जुड़े होने का दावा किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस अभियान के तहत कुल 3,06,882 सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी ने 1,00,000 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा था। 1 फरवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभियान की शुरुआत की थी। हाईकमांड ने, ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने 45 दिन में 1,00,000 एक्टिव सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया था, वो कुछ दिनों में पूरा हो गया था। मेरे ख्याल उसमें तो 15 दिन भी नहीं लगे, 15 दिन के अंदर ही हो गया था।
और उसके बाद ये हमने जब 45 दिन पूरा चलाया तो 3 लाख सदस्य जोड़े, हमें उससे बहुत लग रहा भी जिस तरीके से जनता यहाँ की अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़ रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाए रखने को लेकर आज विकास नगर अंतर्गत डाक पत्थर में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविद अनिल जोशी और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हालांकि इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री धन सिंह रावत को भी शिरकत करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने अपने आसपास और शहर के साथ ही आसपास की नदियों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से आह्वान किया। इस दौरान पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम चलाकर गंगा को बचाने की मुहिम शुरू की है, जो कि एक अच्छी पहल है। कि नदी हो या गंगा, वो किसी एक व्यक्ति या एक सरकार के बूते की बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम सब उसको भोगते हैं तो शायद ये सबकी भागीदारी है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि गंगा को लेके कुछ चेतनाएं तो जगी हैं और छोटे मोटे प्रयोग जो सरकार के माध्यम से हुए, उसमें कुछ विभिन्न टुकड़ों में जगह जगह कुछ परिवर्तन तो दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गंगा को 50 करोड़ लोग भोगते हों, उसको अगर 5 लाख लोग मिला जुला करके ठीक करना चाहते हों, तो सवाल दोनों तरफ है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया, देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में हरिद्वार कुंभ को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मेला अधिकारी सहित प्रदेश के DGP सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद मीडिया से मुख्य सचिव को बताया कि अब हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। उन्होंने कहा कि कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, वहीं कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुंभ आने वाले लोगों को एक और विकल्प दिया जाएगा, जिसके तहत वो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। हरिद्वार कुंभ में सन्यासी अखाड़े के आने के बाद अब बैरागी अखाड़े के संत भी बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ के बैरागी कैंप गौरीशंकर क्षेत्र में इलाकों में सरकार की अनुमति के बाद इन बैरागी संतों को अस्थायी जमीन दी जा रही है, लेकिन बिना पेयजल पूर्ति, शौचालय और बिजली के यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल है। कोरोना के चलते पिछली तैयारियों से इस बार बैरागी संतों को खासी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। बैरागी मेला क्षेत्र में संतों की समस्या सुनने के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास सबसे ज़्यादा समस्याएं बैरागी संतों के समूहों में पेयजल और शौचालयों को लेकर आ रही हैं। वहीं अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में सभी टेंटों में 2 अस्थायी शौचालयों का प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सभी टेंट का पेयजल लाइन भी डलवाई जा रही है, जिसके लिए संतों को दिक्कत ना हो। बैरागी कैंप में जो है बैरागी संतों का आना प्रारंभ हो गया है, और इसमें मुख्य रूप से जैसे जैसे संत आ रहे हैं या उनके खालसे आ रहे हैं, उनको पानी, बिजली और शौचालय
ये तीन मुख्य उनकी आवश्यकताएं, और कहीं कहीं पर भी जहां जमीन का लेवल जो है समतल नहीं है उसको समतल करने के लिए उनको जेसीबी की आवश्यकता पड़ रही है। बिजली और शौचालय, इन तीन की समस्याएं हैं और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ से सैचुरेट करते हुए चलें। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में ब्लॉक परिसर में क्षेत्र के विकास को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, चिकित्सा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों के सामने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और साथ ही उन समस्याओं को जल्द समाधान करने के लिए अधिकारियों को आश्वासन भी दिया। प्रमुख गुरताज भुल्लर ने बताया कि माननीय जिलाधिकारी ने बैठक का एजेंडा भेजा, जिसको लेकर बैठक की गई, जिससे दो विभागों को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और क्षेत्र की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण किया गया, जिसमें सभी ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे और सभी डिपार्टमेंट भी यहां पर उपस्थित रहे हैं, जिनमें से दो डिपार्टमेंट जो थे वो नहीं आए, उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, जैसे कि एक स्वेजल है और एक राष्ट्रीय राम, जो डिपार्टमेंट दो नहीं आए उनके लिए एक नोटिस खंड विकास अधिकारी की तरफ से जाएगा और उनसे सूची मांगी जाएगी कि तुम्हारी उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं है। और यहाँ पर जितने 89 समथिंग प्रस्ताव आए हैं आज की बैठक में, और उन सभी पे निर्माण कार्य होंगे और सभी दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।